गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 विषय गणित की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 10 को हल कर रहे हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हम 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक हल कर चुके थे। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 10 है आपके समक्ष, y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको आप जब हल करेंगे तो इसके बारे में देखते हैं, तो अवकलन करना है और अवकलन करना है तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पुट एक्स बराबर टेन थीटा। अब यहाँ से मैं थीटा की जब वैल्यू निकालूंगा तो थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। इस जगह पे हम मान रखते हैं बच्चे वाई बराबर टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बट्टे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इस जगह पर मैंने जहाँ जहाँ एक्स थी उस जगह पर टेन थीटा रख दिया है। अब बच्चे इससे पहले हमने पढ़ रखा है कि अगर आपको टेन थ्री थीटा का प्रसार करना हो तो इस जगह पर क्या आता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बट्टे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा मिलता है। तो ये देखिए किसके बराबर होता है, टेन थ्री थीटा के। तो इस जगह पे वाई बराबर टेन इनवर्स और इस पूरे की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, टेन थ्री थीटा। इस टेन से ये टेन कट हो जाएगा तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, थ्री थीटा। इम्प्लाई दैट कर देते हैं तो ये क्या हो आ जाएगा, वाई बराबर थीटा की वैल्यू को मैं इस जगह पर रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, थ्री टेन इनवर्स एक्स। अब बच्चे लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस जगह पे डी ओवर डी एक्स इंटू वाई बराबर थ्री को मैं बाहर रखे देता हूँ, डी ओवर डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स। वाई का जब इसके सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बट्टे क्या हो जाएगा, डी एक्स थ्री इंटू। अब किसी जगह पर आपको डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स मिलता है बच्चे, तो उसे वन बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो इस जगह वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस जगह पे आगे और बढ़ जाते हैं तो डी ओवर डी एक्स बराबर तीन बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस सवाल का क्या होगा बच्चे, ये फाइनल आंसर होगा, ये इस क्रम में आपको करना है, ये इस सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर इसी क्रम में प्रश्न नंबर 11 है, ये भी लिखा हुआ है बच्चे वाई बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस जगह पर भी मैं बच्चे कर देता हूँ पुट एक्स बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या मिलेगा मुझे, टेन इनवर्स एक्स। तो इस जगह पर क्या रखूँगा, वाई बराबर कॉस इनवर्स इस जगह वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मैं रख देता हूँ। तो वाई बराबर कॉस इनवर्स, अब इसको भी बच्चे पढ़ लेते हैं, अगर किसी जगह पर आपको वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखा मिले, किसी भी जगह पर मिले आपको रट लेना इसको, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर अगर थीटा मिलता है तो इसको आप कॉस टू थीटा रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, कॉस टू थीटा। तो इस जगह पर इतने की ओवरऑल जगह पर क्या रख दूंगा मैं, कॉस टू थीटा। अब कॉस से ये कॉस कट जाएगा, बाई बराबर टू और इस थीटा की जगह पर बच्चे उठा लाता हूँ मैं टेन इनवर्स एक्स। क्या, टेन इनवर्स एक्स। अब रख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे कर देंगे बाई का करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स, टू को अलग कर देते हैं डी ओवर डी एक्स और इस जगह पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का पिछले सवाल में ही बताया था बच्चे वन बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो इस सवाल का अंतिम आंसर हो। प्रश्न नंबर 12 है, कुछ नहीं केवल बच्चे इस जगह पे पिछले वाले सवाल में कोस इनवर्स एक्स की जगह पर साइन इनवर्स एक्स दे दिया है। सोच ले समझ ले, इस जगह पर केवल साइन इनवर्स एक्स दे दिया है, शुरुआत तो वहीं से करनी है। तो इस जगह पर हम लिखते हैं पुट एक्स बराबर टेन थीटा।
तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स एक्स। इस जगह पर रख ले, तुरंत रखेंगे इस जगह पर साइन इनवर्स वन माइनस एक्स की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पिछले सवाल में देख चुके हैं ये हमारा ओवरऑल किसके बराबर था, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चे किसके बराबर होता है, कॉस टू थीटा के। तो इस जगह पे बाई बराबर साइन इनवर्स कॉस टू थीटा। अब ये तो आप कहेंगे कि झंझट पड़ गया क्योंकि यहाँ साइन है यहाँ कॉस, अब तक तो हम उससे काट देते थे, लेकिन टेंशन मतलब बच्चे टेंशन। बाई बराबर इस जगह पर हम क्या कर देंगे साइन इनवर्स, यही तो मंत्र होता है इस जगह पे। देखिए अगर आपको मिलता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो इसी का रूप इस जगह पे दे दे बच्चे, इसे इसी का रूप इसी जगह पे दे दे। तो इस जगह पे मैं साइन और पाई बाई टू और माइनस टू थीटा, या इस जगह पे पाई बाई टू प्लस थीटा भी कर सकता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइन से ये साइन कट जाएगा, तो पाई बराबर एक तो रह जाएगा मेरा पाई बाई टू प्लस इस जगह पे टू और थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के ला दे बच्चे, तो क्या हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स, कितनी हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स। अब इस जगह पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा बच्चे डी बाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स पाई बाई टू प्लस टू अलग रख दे डी बाई बट्टे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो अब पाई बाई टू का अवकलन मैं करूँगा तो बच्चे जीरो हो जाएगा, टू को यहाँ रहने दे। और कम से कम तीसरा सवाल है बच्चे, टेन इनवर्स एक्स का वन बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसी क्रम को आगे बढ़ा दे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस जगह पे बराबर लगा करके इम्प्लाइज दैट यहाँ लगा देंगे डी बाई बट्टे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा टू बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस सवाल का आंसर। प्रश्न नंबर ये बच्चे 13वां है, तो इसमें भी हम देखते हैं, तो इस जगह पे देखो हमें कुछ न कुछ पुट करना पड़ेगा, वैसे डायरेक्ट भी सूत्र से कर सकते हैं लेकिन नहीं, इस जगह पे कर दो पुट एक्स बराबर टेन थीटा, ये भी सूत्र रटना पड़ेगा बच्चे, थीटा बराबर क्या हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स। इस जगह पे रख दे तो बाई बराबर कॉस इनवर्स टू टेन थीटा बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ से क्या होता है, लेकिन टेंशन मत लो बच्चे, ये क्या हो जाएगा अगर आपको किसी जगह पे टेन टू थी टू टेन थीटा बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर दिखाई दे तो उसे हम रख देते हैं साइन टू थीटा। किस में रख देते हैं साइन टू थीटा में, तो इस जगह पर रख दे कॉस इनवर्स और ये क्या बन जाएगा बच्चे साइन टू थीटा, क्या बनेगा साइन टू थीटा। अब इसको पूर्व की भांति फिर से कर दे कॉस इनवर्स, अब इस जगह पे कॉस रख दो और पाई बाई टू माइनस टू थीटा कर देंगे। अब इस कॉस से ये कॉस कट जाएगी तो बाई बराबर पाई बाई टू माइनस टू इंटू थीटा की जगह पे कितना मान रखेंगे बच्चे टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब इस जगह पे रख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इस जगह पे क्या बनेगा डी बाई बट्टे डी एक्स डी ओवर डी एक्स पाई अपॉन टू माइनस टू डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। आगे हल करते हैं तो पाई बाई टू एक अचर पद है, इसका जीरो हो जाएगा माइनस टू, टेन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा बच्चे वन प्लस वन बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आगे जब हम हल करेंगे तो डी बाई बट्टे डी एक्स बराबर माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 14 है बच्चे, बाई बराबर साइन इनवर्स टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका सवाल से फंद कटेगा ना, आप ये कह रहे होंगे कि हर सवाल में वही टेन थीटा रखा था, लेकिन इस जगह पर हम रख देते हैं बच्चे पोटो एक्स बराबर साइन थीटा भी रख सकते हो इसमें और कॉस थीटा भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है कुछ भी सही, लेकिन इसमें दोनों ही रहेंगे, ये आपको रट्टा मान लेना है। तो बाई बराबर साइन इनवर्स टू, इस जगह पर देखिए साइन थीटा रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
अगर इस जगह पे आप कॉस थीटा मानते तो यहाँ कॉस आता, यहाँ कॉस आगे चल के आपको दिखाई देगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इस जगह पे बच्चे में रखता हूँ तो साइन इनवर्स 2 sin θ और रूट में 1 - sin²θ मैंने बच्चे पढ़ रखा है, क्या होता है, cos²θ। अब y बराबर साइन इनवर्स 2 sin θ इंटू ये हो जाएगा हमारा cos θ। अब अगर इस जगह पे मैं cos θ रखता तो बच्चे 1 - cos²θ क्या आ जाता है, इस जगह पे sin θ आ जाता, तो ओवरऑल आना वही है y बराबर साइन इनवर्स। अब किसी जगह पर बच्चे 2 sin θ इंटू cos θ आपको रखा मिले तो उस जगह पर हम क्या रख देते हैं, sin 2θ। तो इस जगह पे क्या रख दूंगा मैं, sin 2θ, साइन से ये साइन कट जाएगी, y बराबर 2θ की जगह पर कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चे रख देते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा मेरा dy/dx टू d/dx साइन इनवर्स एक्स। तो dy/dx तो मेरा ये ज्यों का त्यों रहेगा, और 2 × ये बच्चे साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/√(1 − x²). इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 − 2/√(1 − x²) इस सवाल का जो है वो फाइनल आंसर। सवाल नंबर 15 ये बच्चे इस वीडियो का आखिरी सवाल है और इस एक्सरसाइज का भी अंतिम प्रश्न है। तो इस ये दिया हुआ है y = sec inverse 1/√(2 x²−1). तो इस जगह पर बच्चे मैं x = cos θ रखूँगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो y = sec inverse 1/√(2 cos²θ−1) इस जगह पर मैंने रख दिया है। अब बच्चे 2 cos²θ − 1 अगर मिलता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, cos 2θ। तो y = sec inverse 1/ ये क्या बन गया, cos 2θ। अब इतने को मैं क्या कर दूंगा, sec inverse और 1/cos θ क्या होता है मेरा, sec और 2θ लगा हुआ, तो sec 2θ, sec से ये sec कट जाएगी, तो y = 2 और थीटा की जगह पर मैं क्या ले आऊँगा, cos inverse x। अब इसका y के x के सापेक्ष जब डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो dy/dx टू d/dx cos inverse x, तो 2 − 1/√(1 − x²) क्या हो जाएगा, 1 − x²। तो −2/√(1 − x²) इस सवाल का आंसर होगा।